प्रेमी से प्रेम करो, मोही से नॉर्मल रखो। मोही तो मोह जाल में ही फंसेगा। प्रेम निष्काम भाव से होता है। जो निष्काम भाव से होता है तो फिर वहाँ चाहना किसी प्रकार की नहीं रह जाती है। चाहत जिस प्रेम में है उस चाहत में विघ्न पड़ने पर क्रोध जागृत होता है। जैसे दास आपको समझा दे कि मुझे एक चाहत थी कि मैं सबसे प्रेम करूं और सब मुझसे प्रेम करें। शुरुआत मैंने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि सब मुझसे प्रेम करें। सब लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया। मैं विश्वास करता, वो विश्वास में कपट रखते। धोखा किया, आखिर मेरा क्रोध जागृत हो गया, मैं चिढ़ने लग। मुझे सब कोई बुरे लगने लगे। कुछ कुछ को छोड़कर बाकी इंसान अच्छे ही नहीं लगते, इतना गहरा चिढ़ गया। अब मैं हरि का सिमरन करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मोह वाला प्रेम छोड़ रहा हूँ। सांसारिक प्रेम को मत तो कम देता हूँ, तो अब मैं सुखी हूँ। अब मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। नहीं तो यहाँ तक हो गया सांसारिक प्रेम में, बीपी बढ़ गया, शायद हार्ट अटैक भी उसी वजह से आया कि लोगों से मैं इतना प्रेम करता हूँ, लोग मुझसे क्यों नहीं करते। बस ये क्यों बीपी को बढ़ा देता है दोस्तों, ये बीपी को बढ़ा देता है क्यों, इसलिए क्यों मत लगाए। करे तो करे, न करे तो उनकी मौत, बस ये रखो। अरे सिमरन करो, अरे नाम का चिंतन करो, इससे प्रेम करो। ये निशानी जो सतगुरु ने दी है, इससे प्रेम करो, सतगुरु से प्रेम करो, कभी नहीं पछताओगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी।